झारखंड के कई इलाकों में बारिश की संभावना, अभी गर्मी से नहीं मिलेगी राहत, मानसून भी देर से देगा दस्तक। झारखंड के कई इलाकों में गर्मी बढ़ने लगी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में संभावना जाहिर की है, जिसमें कहा गया है कि अगले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्से में बारिश हो सकती है, इससे गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। बारिश और बादल की वजह से भी बढ़ते तापमान पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। झारखंड के कई हिस्सों में तापमान में वृद्धि हो रही है। अधिकतम तापमान में राज्य के कई हिस्सों में 5 डिग्री से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। पलामू और कोल्हान में अधिकतम का पारा 43 डिग्री के आंकड़े को पार कर रहा है। राज्य के ज्यादातर जगहों पर गर्म हवा और लू चल रही है। अब 9 बजे से लेकर 4 बजे तक घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। मौसम विभाग ने भी इस मौसम में सतर्क रहने की चेतावनी जारी की है। राज्य का अधिकतम तापमान 39.9 डिग्री और न्यूनतम 27.0 डिग्री रहा। वहीं जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 42.8 और मोदीनगर का 42.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। पिछले 24 घंटे के दौरान संताल और परगना में बारिश होने की वजह से गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। रांची में बुधवार की शाम को तेज आंधी के साथ हल्की बारिश हुई। गुरुवार को भी शाम होते होते राज्य के कई हिस्सों में भी बादल घिराए। गुरुवार को फिर से पारा चढ़ा। पूरे दिन तीखी धूप खिली और गर्म हवा ने लोगों को परेशान किया, लेकिन शाम होते कई इलाकों में हल्के बादल देखने को मिले, लेकिन इससे बड़ी राहत नहीं मिली। झारखंड में प्री मॉनसून गतिविधियों में बड़ा बदलाव आया है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि इस साल झारखंड में मानसून भी देरी से प्रवेश करेगा। आमतौर पर प्रदेश में मानसून 12-14 जून के बीच दस्तक देगा, लेकिन इस बार 6 दिन की देरी से 21 जून को प्रवेश करने का अनुमान है।